फ्रेंड्स, मैं हूँ युवराज मिश्र और आप देख रहे हो डाटा एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया और एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ टाटा ग्रेविटास के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं टाटा ग्रेविटास जो है वो 7 सीटर वर्जन है टाटा हैरियर का। और यहाँ पे जो टाटा ग्रेविटास है उसका लॉन्च था उसका लॉन्च था आपको मई और जून के मंथ में, जो COVID-19 की वजह से डिले हो गया। और उसके वो मतलब 1 महीने से या 1.5 महीने से कोई स्पाय शॉट्स और कोई मतलब स्पाय शॉट्स और कम्युनिटी फ्लैग के साथ स्पाय शॉट्स नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे अभी आज कुछ स्पाय शॉट्स आए हैं टाटा ग्रेविटास को इस टेस्टिंग के दौरान। यहाँ पे जो टाटा ग्रेविटास टेस्टिंग के दौरान स्पायर्ड हुई है कम्युनिटी फ्लैग में है, और इसमें जो है एलॉय व्हील्स आपको दिखे हैं, फ्रंट लुक आपको दिखा है, और यहाँ पे बैक लुक भी लाइट के साथ दिखा है। तो यहाँ पे ये एक प्रोडक्शन मॉडल था जो इंस्पायर्ड हुआ है, ये शायद से टेस्टिंग चल रही हो। और इसका जो आप देख सकते हैं MG Hector Plus भी बुकिंग ओपन हो गई है। तो उसको राइवलरी देने के लिए टाटा जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च कर दे ताकि एक राइवलरी अच्छी हो। मैं तो टाटा वालों से ये कह रहा हूँ कि इसको जल्दी से लॉन्च कीजिए ताकि इसकी राइवलरी अच्छी हो और बढ़िया हो, तभी ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा। MG Hector Plus XUV500 और जीप कंपस 7 सीटर और क्रेटा 7 सीटर को राइवलरी देता है ये टाटा ग्रेविटास प्रोडक्ट जो है टाटा का। और इस प्रोडक्ट की एक खास बात है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो फर्स्ट इन क्लास है। जैसे आपका ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, ये तो आपको MG Hector Plus में भी शायद से मिलेगा, और बहुत सारे फीचर्स। और यहाँ पे जो टाटा है जैसे इसका जो डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे रियर में डिस्क रहेंगे, ऑल फोर व्हील्स आर इन डिस्क। और यहाँ पे जो होगा इंटीरियर की थीम चेंज होगी, कलर चेंज होगा, सीट कवर्स के से कलर चेंज हो गए। और यहाँ पे जो एक बात है, ये 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आएगा टाटा ग्रेविटास, और ये एक बड़ी हिट होगी अगर ये चल जाती है। टाटा सफारी स्टॉर्म के गैप को भरती है, क्योंकि अभी टाटा के पास कोई 7 सीटर SUV नहीं है, जितनी है सारी 5 सीटर है। अभी इनका सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट टाटा हैरियर है, 5 सीटर प्रीमियम है SUV, तो यही इनका भी फ्लैगशिप है। बट सफारी स्टॉर्म को डिसकंटिन्यू होते ही यहाँ पे इनके पास कोई भी 7 सीटर प्रोडक्ट नहीं बचा है टाटा के पास। बट अब ग्रेविटास को ये लोग जितनी जल्दी लॉन्च करते हैं और MG Hector Plus से जितना ड्राइवलरी ये लेता है, जितनी प्रोडक्ट की सेल होती है दोनों में से, वो देखा जाएगा। और यहाँ से मैं टाटा को एक और चीज़ कहूँगा कि टाटा अपने प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग और एड्स चैनल्स में, टीवीज में बहुत डाला करे, रेडियोज़ में बहुत डाला करे, जैसे MG वाले करते हैं, तभी उनकी ज़्यादा बिकती है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा अपना व्यू देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से उनकी ज़्यादा कार पॉपुलर होगी, दिखेगी। MG Hector जैसे उन्होंने MG Hector में किया था, तो वैसा ही। और वैसे ये गाड़ी सेफ्टी में आप टाटा को जानती हैं कितनी मस्त है, बढ़िया है, बट हाई स्पीड में बहुत सारे फर्स्ट इन क्लास फीचर्स होंगे, तो उसको उस वीडियो में बात करते हैं। बट ये जो स्पाय शॉट्स हैं आप इसको देख सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग या एंड में होंगे। तो ये थी टाटा ग्रेविटास, और टाटा ग्रेविटास की जो लॉन्च डेट है वो फेस्टिव सीजन में हो सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ टाटा वाले जो हैं ग्रेविटास को जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दें ताकि MG Hector Plus को ये राइवलरी दे पाए, और XUV500 को जो अभी लॉन्च हो चुके हैं। XUV500 तो अभी ओल्ड ही मॉडल है, बट MG Hector Plus एक नया आ रहा है जो XUV500 का एकदम सेल्स निकाल पाता है कि नहीं, सक्सेस हो पाता है कि नहीं, जैसे XUV500 हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं एंड होती है।